नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस पर माओवादी हमले की आशंका, अलर्ट पर बंगाल पुलिस, नाका चेकिंग जोरों पर। मालूम हो कि आईबी की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर माओवादी हमला की आशंका जताई गई है, जिसके बाद से पुलिस और भी अलर्ट मोड पर आ गई है। गणतंत्र दिवस पर कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे लेकर पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, होटल, लॉज एवं ढाबे पे संदिग्धों की लगातार चेकिंग की जा रही है। राज्यपाल को आया गुस्सा, कहा स्पीकर को मेरे बारे में कुछ भी कहने का लाइसेंस किसने दिया। इवन द स्पीकर हियर हैज अक्यूज्ड द गवर्नर डेन एंड डेट आउट द बिल्स आर पेंडिंग विद मी। हियर इज अ स्पीकर हु हैज रिडिक्यूल्ड हिमसेल्फ दैट अ बिल व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ माय प्रीडिसेसर, ही वेंट टू मीडिया एंड यू कैरीड इट इज पेंडिंग विद द गवर्नर। तो वहीं स्पीकर विमान बैनर्जी ने भी कहा कि राज्यपाल के आचरण से अबाक हूँ। विस्तृत जानकारी लेते हैं हमारी वरिष्ठ पत्रकार सविता राय से। राज्यपाल जगदीप धनखड़ विधानसभा परिसर में खड़े होकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। साथ ही उन्होंने हावड़ा बिल को लेकर कहा कि उन्होंने जो भी सूचनाएं मांगी थी अभी तक उनके पास नहीं आई है। ऐसे में उन्हें नहीं कहा जा सकता कि उनकी वजह से बिल पेंडिंग है। वे आज यहाँ पे विधानसभा में बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने आए थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पीएम की बैठक में बंगाल के जिलाधिकारियों के शामिल न होने पर शुभेंदु अधिकारी ने जताई चिंता। पत्र लिख पीएम से की कार्रवाई की मांग। सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी मोड़ इलाके से पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को 2 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त का नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वह ट्रक यूपी से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। बीते 15 जनवरी हुगली के मोगरा से लापता युवक की तलाशी के लिए अब पुलिस ने गोताखोरों को नदी में उतारा है। मालूम हो कि अतनुमा जी 15 जनवरी से लापता है। पुलिस उनकी गुमशुदगी के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। इन लोगों से पूछताछ के बाद मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने मंगलवार यानी आज त्रिवेणी भंगा घाट के निकट गंगा नदी में गोताखोरों को अतनु के तलाशी के लिए उतारा है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बनगांव शाखा के घुमा स्टेशन पर आज रेल लाइन में कई जगहों पे पैच यानी लाइन गलकर चिपटा हो गया था, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका थी। हालांकि समय पर इसकी जानकारी मिलने से उस हिस्से को लाल कपड़े से घेर दिया गया था और आ रही ट्रेन को रोक दिया गया था, जिससे दुर्घटना टल गई। रात 12:15 नागाद हमारा सोए आछि, हठात देखी भीषण एक मालगाड़ी गलो, भीषण भयंकर जोरे आवाज हलो एवं मने होच्छे जेमन ड्रिल मेशिन जेमन पाथर टाथर मने ड्रिल करले जेमन भयंकर आवाज हय ओई रकम आवाजे एरिया केंपे गेलो। आशपाशे जारा जेगेछिलो তারা তো সেই রাতে উঠে এলো, দেখলো কি ব্যাপার। এসে দেখে যে এই পরিস্থিতিতে যেখানে যে কটা চাকা ছিল, চাকা যেখানে যে যে পজিশনে ছিল সেই জায়গাটা গলে গিয়ে চাকা লাইন বসে গেছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। তবে দুর্ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারত, যেহেতু প্ল্যাটফর্মের উপরে গাড়ি স্লো থাকে সেই জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह हुए भाजपा में शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, और मंच पे जितने लोग हासीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। धार्मिक खबरों पर एक नजर। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन श्री गणेश की पूजा आराधना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर।
की साड़ी को भी उर्फी जावेद ने दिया अतरंगी अंदाज। फैंस बोले, लोग तो यूं ही बदनाम है, इसने आग लगा रखी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।